पीरियड में यानी कल पढ़े थे कि एक डेसिमल प्लेस रहा तो कैसे करते हैं। अब कितने डेसिमल प्लेस पर बार दिया, दो पर बार दिया है ना। तो कल बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हुई थी हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चार पांच स्टूडेंट अब्सेंट है ना। ठीक है, क्या करेंगे, डबल थोड़ी वैसा पढ़ा कि जैसा समझता है वैसा समझ दो। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे लेट x इक्वल टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लेट x इक्वल टू कितना 2.1। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको एक्सप्लेन, क्या करते हैं डिटेल में बताओ कैसा कैसा लिखते हैं। 1.8 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब 1.8 बहुत बार है, 1.8 बहुत बार, 1.8 1.8 1.8 1.8 बार का मतलब वो रिपीट हो रहा है। तो 1.8 क्या हो रहा है, रिपीट। और जब भी रिपीट लिखते हो तब उसको क्या कह रहे हैं, नंबर 1। ठीक है, और अब इसके बाद क्या करना बताओ। अगर एक डेसिमल प्लेस रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे, और दो रिपीट हो रहे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय। देखो ये लेफ्ट है ना, इसको भी 100 से करना, और इसको भी किससे, 100, जैसा वैसा लिखते जाना। देखो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी, कितना सिंपल था ये पता। 100 ने मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 100x होता है, और उधर 100 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट। कल पढ़े थे कि 110 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल प्लेस जाता है उधर, यानी मल्टीप्लाई करने पर उधर बन जाएगा उधर, और डिवीजन करने पर इधर। मल्टीप्लाई करे तो जाओ उधर उधर, बोलो कितने डेसिमल प्लेस, दो जीरो है तो दो, तो ये पॉइंट यहाँ से इधर जाएगा। तो बताओ ये पॉइंट अगर यहाँ से इधर गया तो 218 हो जाएगा, पहले 2 था तब 218, पहले 2 था तो 2 से 18 हो गया 218। ये पॉइंट यहाँ से कहा गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो फिर ये कौन है आगे, 1.8 1.8 1.8 1.8, यानी ये 10 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये पॉइंट इधर जाता, फिर ये 21 हो जाता, क्या हो जाता 21। लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने से 2 डेसिमल प्लेस जाता है, पॉइंट यहाँ से यहाँ, बताओ यहाँ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ गया तो क्या हो जाएगा, 218 हो जाएगा ना, वही हुआ है वो ऐसा। और ठीक है, और अब इसके बाद क्या करना बताओ, हाँ इसको क्या करना, फिर आगे चल के इसी को क्या देना, फिर से बार, पहले बार में था ना, पहले कैसा था बार, हमने उसको एक्सप्लेन किया था डिटेल में, एक्सप्लेन किया बार यानी रिपीटेशन। अब फिर से बार में लेके आओ उसको, बताओ 1.8 1.8 रिपीट है ना, 1.8 के ऊपर क्या आएगा बार, और नंबर क्या देना, फिर लास्ट स्टेप है, फिर इसके बाद है इक्वेशन 2। बताओ कैसे करते, माइनस लेफ्ट से, ये 1 और ये 2 है, 1 किसको बोलते हैं हम, तो हम क्या नाम देते हैं, बार, दोनों बार, पहला बार नंबर 1, दूसरा बार नंबर 2, वो बार को नंबर 1 देते हैं। चलो बोलो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करो, माइनस, लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस करो, लेफ्ट माइनस लेफ्ट किया, लेफ्ट माइनस लेफ्ट 100x माइनस 1x, और राइट माइनस राइट 218.18 बार माइनस 2.18 बार, यानी राइट में से माइनस किया राइट को, देख लो एक बार और, राइट में से माइनस किया राइट, लेफ्ट में से लेफ्ट, और राइट में से राइट, हो गया सर। 100x और ये 1x है, क्या ये 100x माइनस 1x क्या होता है 99x, और बताओ 218.818 बार और 2.1, कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है, ऐसा है ना, बोलो बार में से बार क्या हो जाता है माइनस, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 2 गया और ये 1, और कितना, अरे 218 में से 2 गए तो 216 बचे ना, 218 में से 2 गए तो 260, तो क्या बचा 260, पॉइंट 0.00 लिखने की जरूरत है। अब बताओ लास्ट स्टेप, बताओ 99 में क्या किया है, इधर 99 ने मल्टीप्लाई किया है उधर भेज देना, उधर क्या करता है, कोई भी वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई करती है ना उधर शिफ्ट किया तो क्या करती है, डिवाइड करती है।
तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन तुम्हारी गलती क्या अभी पता है, तुमने एक स्टेप भूल गई। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको पूछा है 2.18 बार ये जो दिया है इसको p बाय q में लिखो। कैसे लिखो, यानी फ्रैक्शन में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखो, रैशनल नंबर में लिखो, ऐसा वो बोल। इसको कैसे लिखो, रैशनल न्यूमिनेटर ऐसा लिखो बोलते। तो फिर आपने लिखा जरूर ये है वो, लेकिन वो दिखना चाहिए ना। एक सैने कौन, एक सैने कौन, देखो एक सैने 2.18 बार अब दिख रहा है। मतलब क्वेश्चन था इस नंबर को रैशनल में लिखो। अब देखो आ गया ये नंबर, कैसे लिख रहा है रैशनल, यानी अगर आप 216 को 99 से क्या कर दोगे डिवाइड, यही आंसर। लेकिन आपको पता था क्या, पहले नहीं आपको सिर्फ ये दिया था और उन्होंने बोला था बताओ ये किसका डिवीजन है, बताओ कौन से नंबर को डिवाइड करके ये आया। आपको वो दो नंबर पता नहीं थे, उन्होंने पूछा आपको बताओ वो कौन से, बोलते पी बाय क्यू, ये पी और ये क्यू यानी रैशनल नंबर, वो कौन सा हमने ढूंढ के निकाला ये वो। अगर आप ये डिवाइड करोगे ना बराबर इतना जाता है, ठीक है। तो कैसे ढूंढ के निकाला बताओ, पहले क्या करना, लेट एक्स नाम देना उसका नंबर वन, इक्वेशन वन, फिर एक्सप्लेनेशन। 18 बार का मतलब क्या होता है, 18 क्या होता है, और बाद में कह देना डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर क्या करना, और दो डेसिमल प्लेस रिपीट है ना, हाँ, तो क्या करना मल्टीप्लाइंग बाय 100, लेफ्ट को भी 100 से और राइट को 100 से, ये क्या होता है 100 एक्स, और ये 100 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट उधर जाते हैं। तो बताओ ये पॉइंट इधर से इधर आएगा कितना हो जाएगा, पहले 2 था अब ये पॉइंट इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 218, 218 हो जाएगा, और ये 118 तो है। और उसके बाद फिर बाद में लाना, फिर वापस बाद में लाना, 18 रिपीट है, इसका मतलब 18 का क्या हो गया, पॉइंट के बाद 18 रिपीट है, उसका 12 हो गया, यही तो है। फिर उसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करो और राइट में से 100 माइनस 1 99, ये इसको इधर रफ में करके देखो, तो 18 बार में से 18 बार माइनस होगा, 218 में से 2 गए 216 हो गए, बस हो गया। 99 में मल्टीप्लाई किया तो क्या करो, यही आपका आंसर। अब एक सैने कौन लिखना, एक सैने कौन है 2.2, तो आपने इस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को आपने फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करके बताया रैशनल नंबर, यही आपका पिक्चर, ठीक है। अब और दूसरा दे रहा हूँ, ये दूसरा पॉज कर। चलो बताओ सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है इसको, लेट एक्स इक्वल टू नंबर, बोलो आप ही बताओ क्या करना, रिपीट 9-8 रिपीट है ना, 9-8 बार इसके ऊपर है उतने रिपीट है 9-8 रिपीट। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 10 लिखो या 100, दो डेसिमल प्लेस देना, इसने क्या करना 100, देखो मल्टीप्लाई करना कितना इजी, ये देखो जैसा है वैसा, जैसा वैसा, अब इसे भी 100 से हो इसे भी जैसा मैं 100 से 100 इंटू एक्स, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है, वो पॉइंट यहाँ से सामने और दो डेसिमल प्लेस आता है तो ये क्या होगा 1-4-9, ये पॉइंट इधर आ गया इधर, तो बताओ फिर कौन है 9-8-9-8-9-8, यानी दो डेसिमल प्लेस पॉइंट इधर आएगा, ये पॉइंट इधर आया तो बताओ क्या होगा 1-4-9-8 हो जाएगा ना, और ये पॉइंट इधर से इधर ले गया ना, तो पहले 14 था अब 1-4-9-8 हो जाए, पॉइंट इधर से इधर इधर आया हो गया। और अब क्या करो इसको, फिर से बार बताओ 9-8 रिपीट है ना, 9-8 के ऊपर हो गया आंसर, कितना सिंपल, देखो ये कितना सिंपल है। क्या करना, पहले इतना रिपीट कर देता हूँ, बताओ क्या लिखना पड़ता है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, बताओ क्या करना, लेफ्ट माइनस लेफ्ट और राइट
माइनस राइट, यानी इसमें से इसको माइनस करना और इसमें से इसमें 100x माइनस 1x, चलो उसको मैं रफ में माइनस करके बता दू। देखो क्या होगा, 8 में से 8 गया, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 4 गया, 9 में से 1 गया, कितना है 1484। ये 0.00 लिखते नहीं है, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। और लास्ट स्टेप अभी भी बाकी है, बताओ कौन सी इसकी वैल्यू, एक्स यानी कौन, कितना सिंपल है। और बस समरी बता दे दो, ध्यान से सुनो, बताओ 98 पर बार है उसको एक्सप्लेन करो क्या होता है 98, बस एक्सप्लेनेशन है वो, बाकी कुछ नहीं। फिर इसके बाद क्या करना, दो डेसिमल पे इसका तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 से किया 100x होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट उधर तो प्लेस कर रखता है, पॉइंट यहाँ से इधर जाए। देखो एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लक्ष्य दे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करता तो वहां लक्ष्य दे, अगर 10 से मल्टीप्लाई होता ना तो ये एक एच प्लेस कर रखता, यानी पता है क्या होता, ये 0.9 के बाद आता तो क्या होता 149 होता, क्या होता 149 पॉइंट इधर आता, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कितने प्लेस जाएगा दो प्लेस, ये यहाँ पे आएगा डायरेक्ट, ठीक है। इधर पॉइंट के पहले कितने भी उससे कोई मतलब थोड़ी है, पॉइंट तो उधर जाता है ना, इधर थोड़ी आता है, पॉइंट कहाँ जाता है उधर, इधर कितने मिले उससे में कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे कितने प्लेस है कोई इम्पोर्टेंट नहीं, एक है कि दो, वो उधर वाले इम्पोर्टेंट, ये थोड़ी जरूरी है कि ये 14 है कि क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, पॉइंट उधर जा रहा है ना, तो 100 से कर रहे तो पॉइंट तो प्लेस गया, 10 से कर रहे तो इधर जाता, 1000 से कर रहे तो इधर जाता, इससे क्या मतलब, ये कितना भी रहे इससे में कोई मतलब नहीं। नाइन एट टू पर बार देना, फिर क्या करना 100 से मल्टीप्लाई करने पर इधर गया, बोलो क्या होगा 2 माइनस 1, लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट माइनस राइट, ये होगा 99, हमेशा वो बार कट जाता है 1498 माइनस 14 कितना होता है 1484, रफ में करके लिखा और डिवाइड करो बस हो। चलो बताओ इसको, बोलो रे समझ में आ रही, बताओ सबसे पहले क्या लिखू, जल्दी जल्दी बोलो, 15.8 नंबर, आप बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या लिखो, आप बोलो ना 8 8 8 8, कई बार कितनी बार लिखना है लिख लो, आप बोलो मल्टीप्लाइंग बाय 10 से 100 से डेसिमल, इधर नहीं देखना इधर कितने नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट की उधर कितना है वो जरूरी है, 8 है मतलब एक डेसिमल प्लेस है ना, हाँ तो कितने से मल्टीप्लाई करना 10, देखो किया क्या मल्टीप्लाई नहीं अभी किया ही नहीं, करो इनटू 10 कितना होता है बताओ, बताओ ये पॉइंट की तो उधर जाएगा ना कितना प्लेस, एक प्लेस, तो ये क्या होगा पॉइंट इधर गया तो 1588, ये कितने भी है। और लास्ट स्टेप अभी क्या है, नंबर टू इक्वेशन टू, लेफ्ट माइनस लेफ्ट और राइट माइनस राइट माइनस राइट, क्या क्या चेक कर ले, ये बराबर लिखना राइट माइनस राइट और लेफ्ट कितना होता है ये, बोलो 158 माइनस 15.8 ये बार याद रखना, ये बार में से बार गया 8 में से 5 गया 3 1 5 में से 1 गया और ये कितना है 143 बाय लास्ट स्टेप में इसकी वैल्यू कर दो, बोलो x यानी कौन, 15.8 बार हो गया, सेम सेम बार बार वही वही कर रहे हैं, बस चलो ये मिटाओ क्या बताओ, 98 के ऊपर 12 मिटाना है, मल्टीप्लाई में
15.8। और एक बार देखो, बाद में लिख लेना। देखो लक्ष्य रे 0.9 लक्ष्य है ना। अब बोलो, आप ही बताओ। सबसे पहले x इक्वल टू 0.9 बार, फिर एक्सप्लेन करो इसको। नंबर वन, फिर बोलो ना, आप बोलो कितने भी लिखो, आप बोलो। फिर मल्टीप्लाइंग बाय 100, फिर जैसे ये कुछ पा रहे ना 10 से। बताओ क्या क्या मल्टीप्लाई 10 से? ये जैसा है वैसा। अभी 10 से कर रहा हूँ, किया क्या होगा 10x। और इधर 10 से क्या पॉइंट, इधर कितने प्लेस जाए? एक ना, तो ये पॉइंट ये 0.9 ऐसा है ना, बाकी 9 बहुत सारे है ना। ये पॉइंट इधर है ना, तो 9 पॉइंट ऐसा। बोलो क्या होता है 0.9? 0.9 का मतलब 0.99 होता है। 0.9 में क्या होता है? 9 होता है। ये पॉइंट 999 का मतलब 9 बार। और क्या करें फिर? इक्वेशन 2 बोलो क्या होगा? लेफ्ट माइनस लेफ्ट और राइट माइनस राइट। बोलो 10x माइनस 1 और ये सब में 9.9 बार माइनस 0.9। 9 बार में से 9 बार गया 1, 9 में से 0 गया 9.0 है ना, 9 में से गया। बोलो क्या होता है ये? 9 तो बताओ 9 बार 9 कितना होता है? 1। बताओ x की वैल्यू कितना है? 0.9 बार यानी 1 ही होता है। ये किसी कैसे 0.9 बार का मतलब कोई जानता है? अच्छा करें 0.9 बार नहीं, क्या होता है 9999999? सर इसका आंसर 1 है। एक बात बताओ, 0.9999 के बाद वो एकदम 1 के आसपास है? किसके आसपास है? नंबर लाइन बताए सबको, ये कहाँ पे रहती है? यहाँ पे कौन है? 1 है ना इधर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? 0.9 है ना। 0.999 कहाँ पे? 1 के पास। ये 0.9 है, तो 0.999 कहाँ पे? एकदम 1 के पास, एकदम चिपक के, एकदम इसके ऊपर जैसा है, इसके जैसा है वो एकदम 1 को चिपक गया जैसा। एग्जैक्टली 1 पर नहीं है, लेकिन 1 को जाके एकदम चिपक गया, इसलिए वो 1 हो गया। इसलिए उसका मतलब 1 ऐसा। और अब लास्ट, कितने डेसिमल प्लेस का बच गया अभी? आप 3 डेसिमल। अभी ये 4 आपको करना है, 3.514 मैं लेता हूँ 415, इसके ऊपर मैंने बार दे दिया। चलो अभी शुरू 3 डेसिमल प्लेस का। 3 डेसिमल कितने भी डेसिमल प्लेस चलो गया ना। हाँ लक्ष्य है 5 सर्वांगी। हाँ इसे क्या देना? नंबर 1। हाँ अभी वो टेक्स्ट बुक के कोई होमवर्क क्या आपके? क्या आगे 5 प्रॉब्लम है ना, 5 क्या है होमवर्क। चलो इधर देना, बताओ आप ही बताओ पहले क्या करो? नहीं ये 415 क्या लिखो? 415 बार किसके ऊपर है? 415। तो 415 क्या होगा? 415 डॉट 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 है ना, जितना बार उठने वाले रिपीट। उसके बाद क्या करना? मल्टीप्लाइंग बाय क्या लिखो बता? 10 से 100 से या 1000 से? ये कितने डेसिमल प्लेस है पॉइंट के बाद? 3 बार, 3 पर है ना, तो 3 जीरो लिखो। 3 बार है तो 3 बताओ, अगर ये ऐसा होता तो 2 जीरो। और ये के ऊपर 4 के ऊपर चला तो समझ रहे? हाँ तो बताओ 41 है तो 100 से, 415 है तो 1000, 3 है ना 1000, फिर करना पड़ेगा ना 1000 से 415 415 415 415 किससे?
इधर भी किससे क्या होता है, फिर ये थाउजेंड एक्स, इधर बताओ क्या होता है, पॉइंट उधर जाता है, इधर कितने नंबर मतलब नहीं, उधर कितने डेसिमल प्लेस, तीन जीरो है तो तीन जगह बताओ, एक दो कहाँ पर आएगा बताओ, क्या थ्री फोर पॉइंट यहाँ से इधर आता है, फोर वन फाइव फोर वन फाइव पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन थाउजेंड से मल्टीप्लीन प्लेस उधर गया, इधर फोर वन फाइव के बाद ये बन गया भी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड। अब बताओ ये रिपीट रिपीट है ना, फोर वन फाइव फोर वन फाइव कहते हैं ना, और ये थाउजेंड एक्स नंबर इक्वेशन टू माइनस, बताओ टू कौन है, राइट से राइट को माइनस किया, लेफ्ट से लेफ्ट, कितना होता है थाउजेंड एक्स माइनस वन एक्स, थाउजेंड एक्स माइनस वन एक्स क्या होता है, नहीं बोलो इसमें से इसको माइनस कर पा रहे ना, बोलो फाइव में से फाइव, वन में से वन, फोर में से फोर, पॉइंट के नीचे फाइव में से थ्री गया, और ये वन फोर थ्री फोर, पॉइंट के बाद जीरो लिखा नहीं, ठीक है इस तरह ये है आंसर। बोलो अब ये जैसा है, ये जैसा है, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा, इधर से उधर जाता है तो क्या करते हैं डिवाइड, ये उधर गया तो बचा एक्स, अब बता इसकी वैल्यू क्या, थ्री पॉइंट फोर वन, ये जैसा है, यानी आपने क्या बताया, पॉइंट वाले नंबर को आपने फ्रैक्शन में बताया, ये एकलक पिक्चर कि पॉइंट वाले नंबर को कैसे बताओ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर, ऐसा बताओ, सब बोल रहे हो ठीक है, ठीक है घर जाके एक बार और वीडियो भी देख लेना और दो दो बार